अस्सलामुअलैकुम प्रो पाकिस्तानी। सो आज की वीडियो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि जिस फ़ोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू हम लेकर आए हैं वो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लॉन्च नहीं होने वाला, बट ग्लोबली दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड डिवाइसेस एंड आई मस्ट से रियलमी हैज़ बीन डूइंग एन अमेजिंग जॉब बाय मेकिंग सच अमेजिंग फ्लैगशिप डिवाइसेस। इस फ़ोन के काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स हैं, डेफिनेटली अनबॉक्सिंग के साथ साथ इसकी परफॉर्मेंस, इसका कैमरा, नाइट टाइम शॉट्स जो हैं, फ़ोटोज़ जो हैं वो कंपैरिजन और डिटेल में इसका रिव्यू होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना आपने, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो जल्दी से चलते हैं Realme GT 2 Pro के रिव्यू। तो प्रो पाकिस्तानीज, ये है Realme GT 2 Pro का बॉक्स, और ये बॉक्स काफ़ी प्रीमियम सीन ऑन कर रहा है यहाँ पे। ये एक 5G फ़ोन है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो पैकेजिंग है उसकी बात करें तो स्टैंडर्ड जो येलो पैकेजिंग होती है वो नहीं देखने को मिल रही। इस फ़ोन के जो मेन फीचर्स हैं, जिसमें 2K सुपर रियलिटी डिस्प्ले, पेपर टेक मास्टर डिज़ाइन, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 एंड कैमरा स्पेसिफिकेशंस के साथ साथ इसका वेरिएंट मेंशन है। रफली जो इस फ़ोन की इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है वो $700 से $800 है आई थिंक। बाकी अगर आप PTA CTA का सीन ऑन करते हैं तो यू कैन कैलकुलेट द टैक्सेस, और गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी काफ़ी बढ़ा दिए हैं। बट आई मस्ट से कि ये डिवाइस जो है ना, वो अगर आप पाकिस्तान में किसी भी तरह मंगवा सकते हैं तो यू शुड बाय दिस वन, क्योंकि इसने बड़े बड़े डिवाइसेस की छुट्टी करा दिया है। खैर, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो वी हैव सम पेपर वर्क और सिम इजेक्शन टूल देखने को मिलता है। डिवाइस जो है वो एक कवर के अंदर रैप्ड है, तो उसको ज़रा हम निकाल लेते हैं। बाय द वे, ये ऑलरेडी एक ओपन बॉक्स हमें रियलमी की तरफ से देखने को मिला है। बाकी कंटेंट्स की बात करें तो आपके पास एक बैक में सिलिकॉन का केस देखने को मिलता है, उसके अलावा चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, 65W की चार्जिंग आपको देखने को मिलती है इस फ़ोन के अंदर, और इसके अलावा ऐसा बॉक्स के अंदर ना कुछ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो हम ज़रा इस फ़ोन को ऑन करते हैं, इस फ़ोन को सेटअप करते हैं, उसके बाद हम आपको इसके बारे में बाकी चीज़ें बताते हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें तो इस फ़ोन का जो डिज़ाइन है ना, वो बहुत ही प्रीमियम है, आपको एक बड़ी एलिगेंट सी लुक प्रोवाइड करता है। बैक पे जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है ये काफ़ी एलिगेंटली जो है ये बम्प को बनाया गया, उसके बाद रियलमी की ब्रांडिंग है। फिर ये जो पेपर टेक डिज़ाइन है, इसका जो टेक्सचर है ये बहरहाल काफ़ी मज़े का है, और ये एक प्रीमियम लुक आपको प्रोवाइड करता है। साइड पे आपके पास 5G एंटेनाज हैं, उसके बाद आपके पास पावर बटन है, जबकि दूसरी साइड पे आपके पास वॉल्यूम रॉकर्स हैं, और इसी तरह बॉटम में जो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं उनकी बात करें तो आपके पास एक टाइप सी की USB चार्जिंग पोर्ट है, सिम ट्रे है, नॉइस कैंसिलेशन माइक है, और स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है। ओवरऑल इस फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अमेजिंग है। फ्रंट डिज़ाइन की बात करें तो भाई आपके पास कोई भी बेजल्स नहीं है, इट्स अ कंप्लीट बेजललेस एक्सपीरियंस आपकी। हाँ, टॉप जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे 5 होल कटआउट वाला एक सेल्फी कैमरा है, अदर देन दैट इट्स एन अमेजिंग डिज़ाइन, क्योंकि आपको एक बिल्कुल बेजललेस डिवाइस देखने को मिलती है, ना कोई यहाँ पे चिन है, ना कोई यहाँ पे बेजल्स हैं। तो एक जो फ्लैगशिप लेवल का एक्सपीरियंस है वो एक बहुत ही कम प्राइस टैग में देखने को मिल रहा है, आई मीन ऑब्वियसली अगर ये ना होते टैक्सेस वगैरह। अगर डिस्प्ले की बात करें तो आपको एक 6.7 इंचेस का WQHD LTPU 2.0 वाला डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 1000 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलेगा, HDR10+ की सपोर्ट है। उसके अलावा जो आपका ब्राइटनेस का सीन है वो 1400 तक की पीक ब्राइटनेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो Realme GT 2 Pro का जो डिस्प्ले है ना, वो डेफिनेटली फ्लैगशिप लेवल डिस्प्ले, आपकी जो गेमिंग एक्सपीरियंस है, जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है, जितना भी आप मतलब इसको यूज़ करेंगे ना, तो ये इमर्सिव डिस्प्ले आपको बहुत ज़्यादा हैवी जो है ना, वो डिस्प्ले एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपके पास इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी जो है वो इसी डिवाइस के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये था सारा डिस्प्ले का सीन। तो अब अगर बात करें इस फ़ोन के कैमरा सेटअप की, तो जनाब यहाँ पे 50 MP के कैमरा सेटअप आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उसके साथ ही साथ आपको एक माइक्रोस्कोपिक कैमरा दिया जाता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि दिस फ़ोन हैज़ द वाइडेस्ट एवर अल्ट्रा वाइड कैमरा, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अल्ट्रा वाइड जो है वो 150° का फील्ड ऑफ व्यू आपको प्रोवाइड करता है। और यार, इस फ़ोन का जो माइक्रोस्कोपिक कैमरा है ना, मतलब उसका जो लेवल ऑफ डिटेल है
मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता, तो मैंने डेफिनेटली वो चीज़ जो है वो कैमरा सैंपल्स में इंक्लूड की है। फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर वाला सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलेगा। बैक कैमरा में आपके पास 8K वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। उसके अलावा जो डायनामिक रेंज है, यानी कैमरा का रिजल्ट बिल्कुल जो है ना वो आउट क्लास कर देता है बाकी के फ्लैगशिप्स को, क्योंकि जो मेन कैमरा सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ डायरेक्शनल फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस देता है। तो जो आपके पोर्ट्रेट्स हैं, जो आपके डे शॉट्स हैं, जो भी आपकी फोटोग्राफी के सीन्स हैं, वो बिल्कुल ऑन है यहाँ पे। अल्ट्रा वाइड कैमरा के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 150 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू आपको ये प्रोवाइड करता है यहाँ पे। और उसके अलावा माइक्रोस्कोपिक कैमरा की डिटेल्स आपको यहाँ पे कैमरा सैंपल्स में नज़र आ रही होंगी। तो इस फ़ोन का जो माइक्रोस्कोपिक कैमरा है, मैंने इससे अच्छा माइक्रोस्कोपिक कैमरा आज तक नहीं देखा। और ये बिल्कुल किसी चीज़ के अंदर आप इसको घुसा के ना लेवल ऑफ डिटेल आप निकाल सकते हैं। तो मैंने माउस पैड पर भी इसको रखा और भी बहुत सारी चीज़ों पर रखा, तो ये इसका सीन काफ़ी ऑन है। नाइट टाइम शॉट्स को बात करें तो डिटेल्स अच्छी हैं आपके पास। जो रोशनी करने का जो सिनेरियो है इस फ़ोन का, वो काफ़ी मज़ेदार है। दोस्तों इस फ़ोन के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपके पास दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंड्रॉयड प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है। यहाँ पे जो इस फ़ोन की अगर पावर की आप बात करते हैं तो बेसिकली ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। ये 4 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पे बेस करता है और एड्रीनो 730 की आपको प्रोवाइड करता है ये सपोर्ट। इस फ़ोन के जो कूलिंग सिस्टम है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि यहाँ पे 9-layer स्टेनलेस स्टील कूलिंग देखने को मिलती है, जो आपकी किसी भी हीट वाली एक्टिविटी को ना मतलब के न्यूट्रलाइज कर देती है, उसे किल कर देती है। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे एंड्रॉयड का जो एंड्रॉयड 12 के साथ Realme UI 3.0 देखने को मिलता है। रैम की जो टाइप है वो LPDDR5X है, और उसके अलावा जो स्टोरेज टाइप है वो UFS 3.1 देखने को मिलती है। इस फ़ोन की अगर आप बैटरी की बात करते हैं तो 5000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है, और इसके अलावा इस फ़ोन की जो चार्जिंग है वो 65W की चार्जिंग है। दोस्तों ये फ़ोन मुझे नहीं पता Realme ने पाकिस्तान में लॉन्च क्यों नहीं किया। अगर वो ये लॉन्च करते तो ये उनका पहला फ्लैगशिप है, एंड आई मस्ट से कि पहली ट्राई बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट ट्राई है। मतलब ये जो फ़ोन है ना, इस जैसा फ़ोन बनाना फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है, बट दे मेड श्योर कि ये जो फ़ोन है इसके अंदर हर चीज़ ओके टू गो हो। तो अगर इसके जो फीचर्स हैं उनको ज़रा रीकैप किया जाए तो आपके पास जो है वो $700 से $800 के अंदर बेहतरीन WQHD डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है विद 120Hz रिफ्रेश रेट एंड 1000Hz ऑफ टच सैम्पलिंग। उसके अलावा आपके पास 50 मेगापिक्सल के कैमराज हैं, माइक्रोस्कोपिक कैमरा है, आपके पास 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है, LPDDR5 है, UFS 3.1 है, Realme UI 3.0 है, Android 12 है। इस फ़ोन का 8 lakh Antutu स्कोर है और कूलिंग भी अच्छी है, 8K फुटेज भी है, तो यू कैन इमेजिन कि आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी। अगर आपको ये फ़ोन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।